शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर मनोज कुमार सक्सेना, अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा स्कूल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, आज उपस्थित हूँ स्टूडियो में आपके साथ चर्चा करने के लिए प्रबंधन के प्रकार, सहभागी प्रबंधन एवं सहभागी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर। अगर हम प्रबंधन के प्रकार की बात करें तो प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अधिकारों का प्रबंधन किया जाता है। इसमें विभिन्न अधिकारियों द्वारा अधिकारों के आधार पर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। अधिकारों के आधार पर प्रबंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। केंद्रीयकरण, यह वह व्यवस्था है जिसमें निर्णय एवं अधिकारों को उच्च प्रशासक अपने पास सुरक्षित रखते हैं तथा निम्न स्तर पर उनका प्रायोजन नहीं बताते। सत्ता उच्च स्तर पर केंद्रीय बिंदु पर संकेंद्रित होती है, जबकि दूसरा प्रकार है इसका विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण वह व्यवस्था है जिसमें संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक निर्णयों तथा अधिकारों का वितरण किया जाता है। इस प्रकार के प्रबंधन में प्रत्येक स्तर पर सभी कर्मचारी महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन शब्द का अर्थ व्यवस्था करना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों को कार्यों में सम्मिलित करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। सहभागी प्रबंधन का अर्थ अगर हम बात करें तो सहभागी प्रबंधन किसी समुदाय के कर्मचारियों या नागरिकों को संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी बनाकर उनका सशक्तिकरण करना सहभागी प्रबंधन कहलाता है। सहभागी प्रबंधन को अन्य शब्दों में औद्योगिक प्रजातंत्र, कर्मचारी योगदान अथवा सहभागी निर्णयन भी कहा जा सकता है। शिक्षण में सहभागी प्रबंधन की अगर हम बात करें तो प्राचीन विद्यालयों में केवल प्रबंधक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा ही नियमों का निर्माण होता था। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए ये नियम अनिवार्य होते थे। जैसा कि हम जानते हैं पुराने समय में जो प्रधानाचार्य होता था वही जो कह देता था वही ब्रह्मवाक्य होता था और उन्हीं को सभी लोगों को उसको मानना होता था, जबकि आधुनिक विद्यालयों में ये चीज़ें बदल गई हैं। अधिकांश विद्यालयों में लिए जाने वाले निर्णय सभी के सहयोग और सहमति से लिए जाते हैं। अगर हम सहभागी प्रबंधन की विशेषताओं की बात करें तो सहभागी प्रबंधन एक ऐसी अवधारणा है जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं। वो विशेषताएँ हैं, कर्मचारियों को निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभी तक क्या होता था कि जब केवल प्रबंधन का कॉन्सेप्ट था तो उस समय तक केवल जो निर्णय थे वो प्रबंधन स्तर पर ले लिए जाते थे, जबकि सहभागी प्रबंधन में कर्मचारियों को भी निर्णयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। नीतिगत आयाम, निर्णयन प्रक्रिया के सभी के समाहित होने के कारण प्रवर एवं अवर सभी एक समान समझे जाते हैं। ये जो सहभागी प्रबंधन है संप्रेषण हेतु उचित मार्ग है। यह अवधारणा द्विमार्गी संप्रेषण को प्रोत्साहित करती है। कर्मचारी सशक्तिकरण, कर्मचारी अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सहभागी प्रबंधन में कर्मचारी सहकर्मी के रूप में कार्य करते हुए प्रबंधक के समान कर्तव्यों का वहन करते हैं। आत्मसम्मान की पहचान, ये और एक सहभागी प्रबंधन की विशेषता है जिसमें के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रमुख अधिकारियों के समान समझा जाता है, जिसके कारण वे प्रबंधकों के सेवक ना रहकर संगठन के महत्वपूर्ण अंग बनकर कार्य करते हैं। और इससे स्थिति ये होती है कि जब वो एक संगठन के इस तरीके के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं कि जो प्रबंधकों की तरह कार्य कर रहे हैं तो वो और बेहतर तरीके से कार्य कर पाते हैं। सामाजिक निर्णयन, कर्मचारी काम के घंटों, कल्याणकारी उपायों, सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों में अपना योगदान देते हैं। ये केवल ऐसा नहीं होता है कि वो केवल प्रबंधन के स्तर पर ही सारी कुछ चीज़ें निर्धारित की जा सकें, इसमें कर्मचारियों का भी अपना योगदान होता है। आर्थिक या वित्तीय निर्णय लेते समय भी सहभागी प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों से लागत को कम करने और लाभ को बढ़ाने से संबंधित सुझाव लिए जाते हैं, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वही मुख्य कार्य कर रहे हैं और उनको पता है कि लागत को किस प्रकार से कम किया जा सकता है और किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। चूँकि वो सहभागी प्रबंधन में हैं, वो प्रबंध में जब निर्णय लिए जाते हैं तो उनकी भी अपनी एक आवाज़ होती है, उनकी भी अपनी कुछ उनसे भी सुझाव मांगे जाते हैं, जिस कारण से वो बेहतर तरीके से सुझाव देने की स्थिति में होते हैं। अन्य निर्णयन, विभिन्न कार्यों से जुड़े निर्णयों को कर्मचारियों को समाहित किया जाता है। कर्मचारियों में मनोवैज्ञानिक संतोष, जो सहभागी प्रबंधन की जब बात आती है तो उससे कर्मचारियों में
एक मनोवैज्ञानिक संतोष होता है, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उन निर्णयों में उन कर्मचारियों का अपना भी एक कुछ ना कुछ जो आवाज़ है उनकी, या वो जो चाहते हैं वो उस तरीके की चीज़ों को वो रख सकते हैं। और संगठन की ओर से वचनबद्धता, प्रत्येक के सम्मान का आदर करना, संगठन के नियमों में लचीलापन आदि तत्व कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक संतोष प्रदान करते हैं। मानवीय पूंजी का विशेष उपयोग, कर्मचारी के बौद्धिक और भावनात्मक पूंजी के उपयोग पर बल दिया जाता है। सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, यह कर्मचारियों को संगठन से जोड़ता है तथा उत्तम योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। सहभागिता प्रबंधन में जो प्रबंधक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सभी मिलकर मिलजुल कर एक संस्थान का प्रबंधन करते हैं। और उस स्थिति में जब जो कर्मचारी हैं और प्रबंधन है उनके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, जब ये सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से जो संस्था है वो उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती रहेगी। सहयोगी प्रबंधन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कर्मचारी जब निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उन्हें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है, और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि एक व्यक्ति के संतुलित व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्रबंधन में जब कर्मचारी स्वयं भाग ले रहे हैं तो उनको पता है कि प्रबंधन के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रबंधन प्रयासरत है, तो उसमें कर्मचारी भी अपना योग देते हैं और उस तरीके से वो उस जो भी कार्य हैं उनमें मनोवैज्ञानिक तरीके से वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जिससे उनको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उत्तम प्रतिभा को बनाए रखना, सहभागी प्रबंधन संगठन के भीतर उत्तम प्रतिभाओं को बनाए रखने वाली एक महत्वपूर्ण युक्ति है। निर्णयन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण कर्मचारियों में स्वयं के प्रति सम्मान बढ़ जाता है, जिसके कारण वे संगठन में लंबे समय तक स्थिर रहते हुए प्रबंधकों के सहयोगी बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज प्रतिभा पलायन का समय है, जो ज़्यादा बेहतर प्रतिभाशाली है वो निश्चित रूप से एक संगठन में, उसे दूसरे संगठन चाहता है कि वो उसके संगठन में जाके उस संगठन के लिए कार्य करें। सहभागी प्रबंधन में जब उस एक विशेष व्यक्ति को जिसके जो प्रतिभाशाली है उसको जब ये होगा कि मुझे इसी संगठन में, इसी विद्यालय संगठन में जब मुझे बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, मुझे जो प्रबंधन है उसके अंतर्गत समाहित किया जा रहा है, उसमें शामिल किया जा रहा है, निर्णय लेने में सम्मिलित किया जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से वो लंबे समय तक वो उसी संस्थान में रहेगा और बेहतर तरीके से कार्य करेगा। इसके बाद बात आती है उत्पादन में वृद्धि लाना। वर्तमान प्रतियोगी संसार में निर्णयन में योगदान कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धि लाता है, क्योंकि जब जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी जब प्रबंधन के साथ मिलकर संस्थान का प्रबंध करने में अपने को उस प्रक्रिया में अपने आप को पाते हैं, तो उस स्थिति में वो निश्चित रूप से और अधिक बेहतर योगदान देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होती है। संप्रेषण का निरंतर बहाव बनाए रखना, जब सहभागी प्रबंधन में कर्मचारी और अधिकारी सब मिलकर संस्थान का प्रबंधन कर रहे हैं तो उस स्थिति में जब निर्णय लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कर्मचारी की सहभागिता संगठन के भीतर संप्रेषण के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करती है। इसमें प्रभावी सहभागी प्रबंधन में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जब कर्मचारी स्वयं निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित होगा तो वहाँ जो संप्रेषण है वो लगातार चल रहा है, कहीं संप्रेषण में बाधा नहीं आ रही है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रबंधन क्या कर रहा है वो कर्मचारियों को नहीं पता, और कर्मचारी क्या करने जा रहे हैं वो प्रबंधन को नहीं पता है। उस स्थिति में जो संगठन है वो संगठन का प्रगति करना मुश्किल होता है, जबकि सहभागी प्रबंधन के में स्थिति यह है कि कर्मचारी और अधिकारी सब मिलकर साथ निर्णय प्रक्रिया में साथ साथ काम करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं संस्था को। सहभागी प्रबंधन की पूर्व आवश्यकताओं के बारे में अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को शक्तियां प्रदान करने की इच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्मचारियों को शक्तियाँ प्रदान करने की इच्छा, अधिकारियों में कर्मचारियों को स्वयं के समान समझना चाहिए तथा उनके साथ भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। सहभागी प्रबंधन के लिए कर्मचारियों को निर्णय लेने की आवश्यक शक्तियां प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जब कर्मचारियों को शक्तियां प्रदान करने की जब इच्छा होगी अधिकारियों में, तभी इस कार्य का विकेंद्रीकरण होगा, जब विकेंद्रीकरण होगा तो वो जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा और वो अपने तरीके से उस कार्य को करेगा, और जब वो अपने तरीके से कार्य करेगा उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, उसके ऊपर कोई समस्या नहीं होगी, तो वो आसानी से और बेहतर ढंग से उस कार्य को संपादित करेगा। इसलिए एक पूरी आवश्यकता है सहभागी प्रबंधन की कि कर्मचारियों को शक्तियाँ प्रदान की जाएं। कर्मचारियों के विचार में परिवर्तन, सहभागी प्रबंधन की सफलता के लिए कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है।
कर्मचारियों को प्रबंधन के प्रत्येक कार्य में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब ये स्थितियां हैं, सहभागी प्रबंधन की जब एक बात है जहां पर सभी लोग मिलजुल कर निर्णय ले रहे हैं, जब भी लोग मिलजुल कर प्रबंधन कर रहे हैं, उस स्थिति में जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रबंधन के लिए, उनको भी संस्थान के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करना चाहिए, उतना ही बेहतर तरीके से सहयोग प्रदान करना चाहिए और हर कार्य को आगे बढ़कर करना चाहिए। अगली बात आती है शीर्ष और मध्यम प्रबंधन के दृष्टिकोण में बदलाव। ये सहभागी प्रबंधन की एक बड़ी पूर्व आवश्यकता है कि जो शीर्ष प्रबंधन है और जो मध्यम प्रबंधन है उनको अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए अपना जो उनका दृष्टिकोण है उसमें बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शीर्ष प्रबंधन है और जो मध्यम प्रबंधन है वो निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ अगर संवाद बना के रखेगा, अगर उनके प्रति सहयोगी बना रहेगा, तो निश्चित रूप से जो कर्मचारी हैं वो प्रबंधन में भाग लेंगे और बेहतर तरीके से उस संस्थान को आगे बढ़ाएंगे। कर्मचारियों के निर्णय लेने में भागीदारी में वृद्धि। जो भी संस्थान में निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें ज़रूरी है कि प्रबंधन में उस सहभागी प्रबंधन की भागीदारी होनी चाहिए। उसमें जो प्रक्रिया है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो निर्णय की प्रक्रिया है, उस वो सहभागी प्रबंधन की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी स्तर के कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदार बनाएं और सबकी सहमति से ही कार्यों की पूर्ति करनी चाहिए। और जब ये कर्मचारी जब जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये एक पूर्व आवश्यकता है प्रबंधन की। अगर हम बात करें सहभागी प्रबंधन के लाभ की, क्या लाभ हो सकते हैं, तो सहभागी प्रबंधन से उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हमने मैनेजमेंट में, जो प्रबंधन में सम्मिलित किया हुआ है और वो उस निर्णय के एक हिस्सा होंगे जो निर्णय लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो भी अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और विकास हेतु अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होगी। कार्य संतुष्टि। सहभागी प्रबंधन में कर्मचारी अपने सेवाओं से संतुष्ट होते हैं तथा उनकी संतुष्टि का स्तर अत्यंत अधिक होता है, क्योंकि कारण सीधा सा ये है, कार्य संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम अपना जो 100% योगदान है वो संस्थान को नहीं दे पाएंगे, और जब हमें निर्णय में सम्मिलित कर लिया गया, जब हमें सहभागी प्रबंधन में सम्मिलित कर लिया गया है, तो निश्चित रूप से हम बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। और जब हमें पता है कि हम जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों के भाग हम स्वयं, कर्मचारी स्वयं होगा, तो उनकी अपनी संतुष्टि का स्तर अत्यंत अधिक हो जाता है। जब कार्य संतुष्टि बेहतर होगी तो निश्चित रूप से वो कार्य भी और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। एक अन्य लाभ है प्रेरणा। उत्पादकता में वृद्धि और कार्य संतुष्टि तभी संभव होती है जब कर्मचारी उच्च स्तरीय प्रेरकों से पूर्णता प्रेरित हों। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो कर्मचारी है उनको निश्चित रूप से काफ़ी अधिक प्रेरित किया जा रहा हो कार्य करने के लिए, और जब उनको हम प्रबंधन में सम्मिलित कर लेते हैं तो उनके अंदर एक अंदर से आत्मसंतुष्टि आ जाती है, उनके अंदर एक ये जो भावना है कार्य करने की वो और बढ़ जाती है और उनको प्रेरणा मिलती है कि हम और बेहतर तरीके से कार्य करें, क्योंकि हम उस प्रबंधन का एक भाग हैं, एक हिस्सा हैं। नवाचार एवं कुशलता वृद्धि। सहभागी प्रबंधन समस्या समाधान एवं नए विचारों खुले दिल से अपनाने को बढ़ावा देती है। जब सहभागी प्रबंधन का बात है, जब सब लोग मिलकर एक ही काम को करेंगे तो जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जो भी समस्याएं प्रबंधन के सामने आ रही हैं, वो ही समस्याओं से अवगत होंगे कर्मचारी भी, और वहाँ पर वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कर्मचारी को भी पता है समस्या क्या आ रही है और किस तरीके से मैनेजमेंट उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ सहभागी प्रबंधन में वो कर्मचारी भी स्वयं भी उसमें इन्वॉल्व है, उसमें खुद सम्मिलित है उस प्रबंधन में, ताकि जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको वो हटा सकते हैं, उनको जानते हैं किस तरीके से की जा सकती है, जिससे उनकी कुशलता में वृद्धि होती है। संप्रेषण में सुधार। हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि दो व्यक्तियों के बीच में संवाद नहीं होगा, जो समस्याएं आती है वो प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में ही आती, संवाद में समस्याएं आती हैं, संवाद प्रॉपर नहीं हो पाते, संवाद पूरी तरीके से नहीं हो पाते, और जब संवाद नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कर्मचारी प्रबंधकों के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रबंधक कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं पता होगा, और जब नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से टकराव की स्थिति आती है। सहभागी प्रबंधन इन सभी चीज़ों को दूर करने की कोशिश करता है। संप्रेषण बेहतर होता है कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच में। गुणवत्ता में सुधार। जब हमारे संप्रेषण में बेहतर होगा, हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उच्च स्तर से निचले स्तर तक के सभी सदस्यों के सुझाव लिए जाते हैं,
और जब सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करके हम जो भी निर्णय पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए बड़ी आवश्यक है और गुणवत्ता इससे हमारी बढ़ेगी। लागत में कमी की बात करें, देखिए कर्मचारी जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं और वो खुद प्रबंधन में सम्मिलित हैं, तो वो जितना भी जो भी कुछ उसके में कमी ला सकते हैं लागत में, वो लागत में कमी लाएंगे और उसके साथ साथ वो गुणवत्ता पर नियंत्रण भी रखेंगे, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण और कौशल विकास लागत में कमी लाता है, क्योंकि गुणवत्ता अगर बेहतर होगी, कौशल विकसित होंगे कर्मचारियों के, तो लागत निश्चित रूप से कम हो जाएगी। इसी तरीके से पर्यवेक्षण में कमी, जहाँ सहभागी प्रबंधन की बात है तो पर्यवेक्षण की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, पर्यवेक्षण किसका हमें करना है, जो हमारे हमारे अधीन कार्य कर रहे हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हमारे, उनके ऊपर उनका हमें पर्यवेक्षण करना होता है। जब चूंकि सहभागी प्रबंधन है, उस प्रबंधन में उन सभी लोगों की भागीदारी है, तो जब भागीदारी है तो वो निश्चित रूप से पर्यवेक्षण में कमी को दर्शाएगी, क्योंकि सहभागी प्रबंधन में कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बल मिलता है और उनके द्वारा त्रुटियों में कमी आती है, फलस्वरूप लगातार निरीक्षण की आवश्यकता में भी कमी आती है और कर्मचारी स्वयं ही उचित रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने खुद इन्वॉल्व होना है उस मैनेजमेंट में, जो भी प्रबंधन किया जाना उसमें हम खुद इन्वॉल्व होंगे, तो निश्चित रूप से हम जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाल दी जाती है तो हम उस जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जब हमको पता है कि हमारा काम है और इस काम को हम स्वयं करेंगे, तो सहभागी प्रबंधन में पर्यवेक्षण में कमी आती है। प्रबंधन और संघ संबंधों में सुधार, जब बात आ रही है सहभागी प्रबंधन की, जब सहभागी प्रबंधन में हम सभी हैं, कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, क्योंकि जो संगठन बने हुए हैं वो कर्मचारियों के संगठन बने हुए हैं और उनकी हमेशा के साथ जो प्रबंधन है उसके साथ हमेशा टकराव की स्थितियां बनी रहती हैं। कारण ये होता है कि उनको ये लग रहा है कि जो हम करना चाहते हैं वो मैनेजमेंट होने नहीं दे रहा है, जो प्रबंधन कर रहा है उसको प्रबंधन वही सारे कार्य कर रहा है जो उसकी अपनी परिधि में है, जो उसकी अपनी सीमाओं में है। इस कारण से प्रबंधन और संघ के संबंधों में जो झगड़े होते हैं उनमें कमी आती है सहभागी प्रबंधन के द्वारा, क्योंकि संप्रेषण में वृद्धि प्रबंधन और संघ के बीच झगड़े में कमी लाता है, क्योंकि जब वो स्वयं ही संघ जब स्वयं ही प्रबंधन का भाग होगा तो निश्चित रूप से उनको भी पता होगा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दोनों को मिल बैठ के सुधारनी है, और प्रबंधन और संघ के बीच विरोधाभास में कमी के कारण दोनों के संबंध प्रगाढ़ होते हैं, जिससे कि उनके संबंधों में सुधार होता है, जो कि कारण है सहभागी प्रबंधन। लचीलापन, प्रशिक्षण में वृद्धि एवं नवीन ज्ञान का प्रबंधन द्वारा आदान प्रदान नई भर्तियों में लचीलापन लाता है, क्योंकि जब हम सब संगठन में हैं, जो सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, प्रबंधन और कर्मचारी सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो वो वहाँ ये देखेंगे प्रशिक्षण और कौन से बेहतर प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं और कौन से प्रशिक्षण की कर्मचारियों को आवश्यकता है, वो प्रबंधन के साथ चर्चा करेंगे और उसमें डिसीजन लेंगे। उससे क्या होता है कि जो बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होंगे और नए ज्ञान का प्रबंधन द्वारा आदान प्रदान किया जाएगा और नई भर्तियों में ज़्यादा की जा सकेंगी। अब हम बात करते हैं सहभागी प्रबंधन की कार्यप्रणाली की। सहभागी प्रबंधन की कार्यप्रणाली के अंतर्गत उद्देश्यों को निर्धारित करना, प्रबंधन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, स्पष्ट संचार व्यवस्था, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच संचार स्पष्ट और समय पर होना चाहिए, यह दोनों पक्षों के बीच विश्वास बनाने में मदद करता है। अभी जैसे हमने चर्चा की थी, जैसे बात किया था संप्रेषण की, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम जो कर्मचारी और प्रबंधन है वो मिलजुल कर कार्य करें और उनके बीच में स्पष्ट संचार होना चाहिए, कोई उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके पश्चात प्रतिनिधि का चुनाव, कर्मचारियों का अपना प्रतिनिधि अपने संघ से ही चुनना चाहिए, ये दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, अपने संघ से चुना प्रतिनिधि अपने सहयोगियों को की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होता है और प्रबंधन को इसकी रिपोर्ट करता है, क्योंकि जब सहभागी प्रबंधन की बात करते हैं उस सहभागी प्रबंधन में सभी कर्मचारी सम्मिलित नहीं हो सकते, उनके अपना उनका एक प्रतिनिधि कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस प्रबंधन और निर्णयन का हिस्सा होगा, इसीलिए जो प्रतिनिधि चुना जाए वो प्रतिनिधि उनके अपना सहयोगी हो, अपने जो कि समस्या को जानता हो, बेहतर ढंग से सक्षम हो और वो समझा सके प्रबंधन को और उसकी रिपोर्ट कर सके। दूसरा, प्रबंधन अधिकारी संगठन के भीतर काम करने वाले व्यक्ति से बात करने और उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि जो प्रबंधन अधिकारी है, जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है, वो संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग, जो कर्मचारी हैं, उनका जो व्यक्ति है उससे बात करने के लिए
क्योंकि उसे पता लगेगा कि उनके साथ बात करने में किस तरीके से वो क्या उनकी समस्याएं आ रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से उस पर निर्णय लिए जाने हैं। तो ये बात थी प्रतिनिधि का चुनाव की। कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, सहभागी प्रबंधन में भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन की उपयोगिता के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जाती है। विश्वास विकसित करना बहुत आवश्यक है, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विश्वास को विकसित किया जाता है जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम है। कर्मचारियों से सुझाव मांगना, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के सुझाव की मांग की जाती है और उन सुझावों को अमल में लाया जाता है। निर्णय लेना, कर्मचारी तथा अधिकारी आपस में विचार विमर्श द्वारा सहमति से निर्णय तक पहुँचते हैं। यह सहभागी प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है। निर्णयन की धीमी प्रक्रिया, प्रबंधक एवं कर्मचारी, ये सहभागी प्रबंधन की कुछ हानियाँ हैं, जहाँ लाभ हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी हैं। निर्णयन की धीमी प्रक्रिया, प्रबंधक और कर्मचारी दोनों से ही सुझाव लिए जाते हैं, उनमें से सही और उपयुक्त का चुनाव करना एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें क्या बेहतर है, क्या सही है जिस पर निर्णय लिया जाना है। सुरक्षा की समस्या, निर्णयन प्रक्रिया के सभी तरह के कर्मचारियों को सम्मिलित होने से महत्वपूर्ण निर्णयों की गोपनीयता का ह्रास होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे निर्णयों को सुरक्षित रखने में समस्या उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई निर्णय लिया जाना है तो वहाँ कर्मचारी संगठनों के लोग भी हैं और प्रबंधक भी हैं, सभी लोग वहाँ सम्मिलित हैं, लेकिन उसमें जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कई बार ऐसा होता है जो संघ का व्यक्ति है, जो कर्मचारी संघ का व्यक्ति है, वो बाहर जाके उन निर्णयों को उससे पहले ही बता देता है जबकि वो वहाँ बताए जाने हैं। तो इसलिए ये एक सुरक्षा की समस्या भी, ये एक बड़ी समस्या है प्रबंधन की। जोड़ तोड़, कभी कभी सहभागी बनने के नाम पर प्रबंधन कर्मचारियों को उनके कार्य का श्रेय दिए बिना उनके द्वारा दिए गए नए सुझावों का लाभ उठाया जाता है। कई बार होता क्या है कि उसमें आपको कहा यह जा रहा है कि कर्मचारियों ने, जो संगठन का व्यक्ति आया कर्मचारी संगठन का, उसने कुछ बताया, लेकिन प्रबंधन उसका श्रेय अपने आप ले लेता है नए सुझावों का। सामान्य पूर्वाग्रह, संगठन के भीतर परिवर्तन के प्रति विरोध एक बड़ी रुकावट है। प्रबंधक स्वयं अपनी शक्तियों का वर्गीकरण नहीं चाहते, जिसके फलस्वरूप सामान्य पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के गुणों और कौशलों की पहचान ना कर पाना, कर्मचारियों में विद्यमान नेतृत्व गुणों की पहचान ना करने के कारण उन्हें सहभागिता का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। चूंकि ये प्रबंधन की निर्णय स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना जाता है, इसलिए वो उसको नहीं करते हैं। अत्यधिक समय लेना, निर्णय प्रक्रिया में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने के कारण निर्णय लेने में समय लगता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बात की प्रबंधन एवं सहभागी प्रबंधन, प्रबंधन के प्रकार, सहभागी प्रबंधन, उसकी कार्यप्रणाली, सहभागी प्रबंधन के लाभ, उसके हानियाँ क्या क्या हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज की चर्चा थी वो लाभान्वित करेगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।